मल्टीप्लेक्स में लोगों को फिर से निराशा मिल रही है। मल्टीप्लेक्स में टिकट के दाम, खाद्य पदार्थों के बढ़े दाम के चलते आंदोलन द्वारा निषेध व्यक्त किया गया था, जिसके बाद 1 अगस्त से मल्टीप्लेक्स में बाहरी खाद्य पदार्थ को अनुमति मिलने की बात स्पष्ट हुई थी, लेकिन अभी भी मल्टीप्लेक्स में मनमानी जारी है। मल्टीप्लेक्स और उसके नियम खाद्य पदार्थ के दाम के संदर्भ में कुछ दिन पहले बवाल मचा था। मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखना आम इंसान के बस की बात नहीं, इसकी वजह यह है कि टिकट के दाम और खाद्य पदार्थ के बढ़ते दाम, जिससे आम लोगों का बजट हिल जाता था। इसी के चलते मल्टीप्लेक्स के विरोध में आंदोलन हुए, जहां कीमतें कम करो और बाहरी पदार्थों को अनुमति दो, इस संदर्भ में नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद मल्टीप्लेक्स में बाहरी खाद्य पदार्थ को अनुमति दी गई थी। 1 अगस्त से किफायती दाम में खाद्य पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक मिलेंगे, ऐसी घोषणा हुई थी। लेकिन नवी मुंबई और पनवेल में एमआरपी से दोगुनी और तिगुनी कीमत पर वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। कोर्ट ने बाहरी खाद्य पदार्थ को अनुमति देने संदर्भ के आदेश दिए थे, बावजूद इसके आदेश को ठुकराकर मल्टीप्लेक्स की मनमानी अभी भी जारी है, जिस वजह से लोगों की नाराजगी कायम है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका क्या असर होता है या फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कर्नाला न्यूज़।